गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड डूइंग वेल एट होम. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 15, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. बर्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि जो बर्ड्स के बारे में स्टडी किए थे. ओके, एंड दिस लेसन एक्सपोजेस चिल्ड्रन टू द And the given lesson exposes children to the wonderful world of birds through the eyes of the great ornithologist Salim Ali. Several facts about birds and Salim Ali's interesting life are also represented in this lesson. बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक इमेज जिसमें एक पर्सन है और वो चारों तरफ से बर्ड्स यानी कि पक्षियों से घिरे हुए हैं. ये है सलीम अली, एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट जिनके बारे में आज हम जानेंगे. ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स, यानी कि पक्षी वैज्ञानिक जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं. ओके, आगे देखते हैं. इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो पीपल है यानी लोग जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज की पूजा करें, जैसे आप लोग घर के आसपास देखे होंगे आंवला नवमी, वट सावित्री. इस सब त्योहारों में क्या करते हैं लोग जो है वो ट्री, पेड़ की पूजा करते हैं और वैसे पितृपक्ष में पक्षियों को खाना खिलाते हैं, खासकर कौवे को, क्रोस को. और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं जिसमें हम एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज की पूजा करते हैं. तो ऐसा हम क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं इस लेसन में. द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन मेनी प्लेसेस. आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू व्हाई पीपल वर्शिप नेचर. An easy answer to this question is because our ancestors did it. कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. वर्शिप यानी पूजा करना, ancestors यानी कि पूर्वज. तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास कई जगहों पर people worshipping birds, animals and trees. People जो है लोग जो है वो animals, जानवर, पक्षियों और पेड़ों की पूजा करते हैं. तो इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद एक ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, why people worship nature? जो पीपल यानी कि लोग जो हैं वो नेचर यानी कि प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं. एन इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का एक इजी आंसर क्या है, बिकॉज आवर एंसेस्टर्स डिड इट. हमारे पूर्वज भी यही करते थे इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं. अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स वर वेज डिवाइस्ड बाई आवर एंसेस्टर्स टू रिस्पेक्ट आवर इकोलॉजी. This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. Unfortunately, if you look at the present situation, birds and their habitation have faced much destructions. कुछ difficult और new words देख लेते हैं. Ecology यानी होता है परिस्थिति विज्ञान, जिसमें कि हम अपने आसपास जो हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति और मानव का संबंध दिखाया जाता है, इसी को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान या ecology. Prevent यानी रोकना, greediness लालच, हैबिटेशन यानी निवास स्थान. अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत बहुत समय पहले, वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स वर वेज डिवाइस बाई आवर एंसेस्टर्स टू रिस्पेक्ट आवर इकोलॉजी. ये जो पूजा करने की जो विधि चली आ रही है ट्रीज की, एनिमल्स की और बर्ड्स की, ये एक रास्ते की तरह हमारे जो एंसेस्टर्स से इसको एक डिवाइस की तरह रखे हुए थे ताकि हम अपने इकोलॉजी, अपने प्रकृति की रक्षा कर सके. दिस वाज आल्सो मीन टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ. और ये एक और एक मायने था पूजा करने का, जिससे जो है मानव जो है अपने लालच के लिए जो डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं, फॉरेस्ट को विनाश करते आ रहे हैं, हमारे नेचुरल वेल्थ को, उससे रोकना. Unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश, if we look at the present situation, दुर्भाग्यवश अभी हम अपने present यानी वर्तमान की परिस्थिति को देखें, birds and their habitation have faced much destruction. जो पक्षी जो है, पक्षी अपने निवास स्थान को लेकर के बहुत ही ज्यादा ही वो destruction face कर रहे हैं, यानी कि उनको समस्या सामना करना पड़ रहा है. क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पक्षियों का निवास स्थान, habitation कहाँ होता है? ट्रीज ही होते हैं. अगर हम ट्रीज को ही काट देंगे, पेड़ पौधों को ही काट देंगे, तो बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? तो एक तरह तरीके से हम बर्ड्स को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. देयर आर अबाउट 9,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर साइज वेरीज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू ओवर 2.5 मीटर्स. द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ द बर्ड एंड द ऑस्ट्रिच
which reaches a height of over 8 feet, is the largest bird on the planet. Species यानी होती है प्रजाति. There are about 9,000 species of birds. हमारे planet में यानी कि हम आप देखिए कि हमारे पृथ्वी पर तो लगभग 9,000 स्पीसीज यानी प्रजातियाँ पाई गई है केवल पक्षियों की ही. और इनके साइज जो है वेरी करते हैं, वेरी यानी 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर तक इनके साइज जो है वो छोटे बड़े बड़े हर साइज में ये आपको देखने मिलेंगे. द हमिंग बर्ड इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड. जो हमिंग बर्ड आप लोगों ने जीके में भी बहुत क्वेश्चन आता है इसका कि स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, तो छोटी पक्षी का नाम बताइए, तो हम जानते हैं हमिंग बर्ड. तो हमिंग बर्ड जो है अपनी स्पीसीज में बर्ड स्पीसीज में सबसे छोटी पक्षी है, जिसका साइज आप लोग देख रहे होंगे 5 सेंटीमीटर यानी छोटी पक्षी है. और ऑस्ट्रिच विच रीच इज अ हाइट ऑफ ओवर 8 फीट. अगर आप लोग देखे होंगे नॉर्मल जो ग्रोन अप पर्सन है जो मतलब बढ़ चुके हैं उस इंसान की हाइट देखेंगे ज़्यादातर 6-6.5 फीट होती है, लेकिन ऑस्ट्रिच की हाइट होती है 8 फीट. और ये जो है हमारे प्लानेट में लार्जेस्ट बर्ड के नाम से जाना जाता है. तो आप लोगों जीके का भी तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि हमिंग बर्ड जो है ये स्मॉलेस्ट बर्ड है और जो ऑस्ट्रिच है ये लार्जेस्ट बर्ड है हमारे प्लानेट में. ओके, देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज ईगल एंड द हॉक. देयर आर अदर बर्ड्स सच एज वल्चर विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड्स. स्विफ्टनेस यानी होता है फुर्तीलापन, तेजी. अब जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि हर एक चीज स्पीसीज अपने अपने अलग अलग विशेषताओं के लिए फेमस है ना. तो जैसे दे आर बर्ड्स, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज ईगल एंड हॉक. ईगल और हॉक जो है ये अपने स्विफ्टनेस यानी अपने फुर्तीलेपन और तेजी से उड़ने के लिए ये दोनों ही बर्ड्स फेमस है. और इसके अलावा एक और बर्ड है वल्चर, गिद्ध भी कहते हैं, ये अपने फ्लाइंग एट हाई अल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए ये बर्ड जो है जाने जाता है. तो आप लोगों ने देखा कि जो स्विफ्टनेस के लिए कौन कौन से बर्ड जाने जाते हैं अपने हाई अपने फुर्तीलेपन के लिए, ईगल और हॉक, और वल्चर जो है ये हाई अल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए जाने जाते हैं. देयर आर ऑल्सो सेवरल बर्ड्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट सच एज द ऑस्ट्रिच, द ईमू एंड द कीवी. आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स में ऑस्ट्रिच को भी लिया जाता है, ईमू और कीवी को भी लिया जाता है, लेकिन हमारे प्लानेट में कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो अपने उड़ने की क्षमता यानी पावर ऑफ फ्लाइट को वो खो चुके हैं. जैसे कि आप पिक्चर पर देख रहे होंगे ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ये है तो बर्ड्स लेकिन उड़ नहीं सकते. ये उड़ नहीं सकते जैसे हम जानते हैं बर्ड्स जो है वो उड़ने फ्लाइंग कहलाते हैं, मतलब वो उड़ने वाले कहलाते हैं, लेकिन ये इनके पास तो उड़ने की क्षमता ही नहीं, फिर भी इनको बर्ड्स क्यों कहा गया है, चलिए देखते हैं आगे. बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट. अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड्स इज देयर फेदर्स. ऑब्जर्विंग द फेदर्स ऑफ अ बर्ड गिव अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड. बर्ड्स हैव बीक्स, दे हैव नो टीथ. विंग्ड यानी होते हैं पंख युक्त, बाइपेड्स यानी दो पैरों वाला, फीचर्स यानी विशेषता और फेदर यानी पंख. तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे फीचर और फेदर, इन दोनों के स्पेलिंग में कुछ ही लेटर्स का अंतर है, लेकिन इनके इनके प्रोनंसिएशन और मीनिंग दोनों ही बदल जाते हैं वो लेटर के आगे पीछे होने से ही. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फीचर और फेदर्स की स्पेलिंग को. ओके, बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स. जो बर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पंख युक्त और दो पैरों वाले जीव कहलाते हैं. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट. इनके जो बॉडी टेम्परेचर है ये हमेशा थोड़ा या ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहता है. अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट बर्ड इज देयर फेदर्स. और जो इनका एक और फीचर जो है जो इंटरेस्टिंग है जानने के लिए है वो क्या है, इनका फेदर्स, क्योंकि बर्ड्स यानी कि फेदर्स से ही हम जानते हैं उनको. ऑब्जर्विंग द फेदर्स ऑफ बर्ड्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दे लीड. और आप बर्ड्स के फेदर्स को यानी कि पंख को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ के बारे में समझ सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया को देखे होंगे, उसके पंख छोटे होते हैं यानी कि वो अपनी उड़ान ज़्यादा हाइट तक वो नहीं उड़ पाते, केवल हमारे छत तक ही दिखेंगे या थोड़े से पेड़ों पर दिखेंगे. लेकिन वहीं पर ईगल और हॉक, वल्चर, इन सबके फेदर्स को देखेंगे तो बहुत चौड़े और लंबे होते हैं. क्यों, इससे देखिए पता चलता है कि ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पर भी ये फ्लाई कर सकते हैं. तो इनके पंख से, इनके फेदर्स से हम बहुत कुछ इनके लाइफ के बारे में भी पता लगा सकते हैं. बर्ड्स हैव बीक्स, बीक्स यानी होता है चोंच.
बर्ड्स के चोंच होते हैं, दे हैव नो टीथ, लेकिन इनके दांत नहीं होते। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है ब्लैंक्स में कि बर्ड्स के पास क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो बर्ड्स के पास होते हैं बीक्स, लेकिन उनके पास टीथ यानी कि दांत नहीं होते। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, फूड ग्रेन्स एंड फ्लैश। लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स टू ले एग्स। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली। एज अ रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। साइट यानी होता है देखने की शक्ति या क्षमता। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट। अब देखो बर्ड्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया किसको बर्ड्स कहा गया है, बर्ड्स कैसे होते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, विंड होते हैं यानी कि पंख युक्त होते हैं, और बाइपेड्स यानी कि दो पैरों वाला जीव है। अब ये खाते क्या हैं, देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट। उनके मेन फूड में क्या होता है, इंसेक्ट यानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फूड ग्रेन्स अनाज के दाने और फ्लैश। ये कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो मांस भी खाते हैं, जैसे कि हॉक, ईगल, इनको जाना जाता है कि मांस ही खाते हैं। ओके, फ्लैश यानी यहाँ पर मांस है ये। लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स टू ले एग्स। जो रेप्टाइल्स यानी कि जो दीवार पर चढ़ने वाले जो छिपकली है, इनकी प्रजाति के जितने भी है जीव वो अंडे देते हैं। तो रेप्टाइल्स की तरह ही बर्ड्स भी क्या अंडे देते हैं, ठीक है। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। और बर्ड्स का जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, क्या, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति इनकी बहुत ही तेज होती है। देखने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, बट सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर। लेकिन उनकी जो सूंघने की शक्ति है, स्मेल और टेस्ट करने की शक्ति होती है, ये बहुत ही वीक होती है, पुअर होती है। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली। लेकिन बर्ड्स के पास उनकी स्मेल और टेस्ट करने की क्षमता जो है वो तो पुअर होती है, कमज़ोर होती है। लेकिन इसके साथ साथ बर्ड के पास एक अनोखी शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जिससे इस क्षमता में क्या होती है, वो अपने विजन को यानी कि वो जो देखने की जो क्षमता है उसको क्विकली बहुत ही जल्दी वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यानी कि क्षण भर में ही ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये पास में अपने आंखों को शिफ्ट कर लेते। आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स की आंखों को हमेशा ऐसे हिलते ही रहता है। हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे जब हमको पलटने में टाइम लगेगा, और पलटने के बाद उस ऑब्जेक्ट को देखने में भी थोड़ा हमको समय लगता है। लेकिन बर्ड्स के पास ये वंडरफुल कैपेसिटी है कि वो इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो अपने विजन को ये शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना यहाँ पर बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के पास पंख तो है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्ड्स हैं। क्यों है बर्ड्स, क्योंकि उनके फेदर्स हैं, ठीक है, वो पंख युक्त हैं और वो बाइपेड्स हैं, दो पैरों वाले हैं, उनकी चोंच है और उनके दांत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, फीचर्स है, ये बताती है कि वो बर्ड्स है। जैसे ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच, ये उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको बर्ड्स कहा गया क्योंकि उनके पास ये सारे फीचर्स है। तो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के बारे में भी इस पार्ट में हमको जानना है। तो इन्हीं, यही जो इमेज आप देख रहे हैं सलीम अली, इन्होंने ही, इन्हीं की आंखों से हमने बर्ड्स की दुनिया को देखा है। अब हम जानते हैं सलीम अली के बारे में कुछ थोड़ी बातें। इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अस बाय द ग्रेट सलीम अली कंट्रीब्यूशन। ही इज अफेक्शनेटली नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली वॉज बॉर्न ऑन 12th November 1896। कंट्रीब्यूशन यानी होता है योगदान, अफेक्शनेटली यानी कि स्नेह से। बच्चा आप लोगों ने देखा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आठ होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और मोस्टली तो वर्ड्स जो एल वाई पर एंड होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अस बाई ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन। जो हम पक्षियों के बारे में इतनी सारी बातें अभी हम लोगों ने जाना, ये सब कैसे जान पाए हम, किनके योगदान से, तो वो है सलीम अली के योगदान से, जो कि एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, द पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स, यानी कि पक्षी वैज्ञानिक जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और यही है सलीम अली, जिनकी आंखों से हमने, जिनके योगदान से हमने पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। एंड ही इज अफेक्शनेटली नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और उनको सब स्नेह से, प्यार से बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सलीम अली वॉज बॉर्न ऑन 12th November 1896 में 12th नवंबर को इनका जन्म हुआ था।
His maternal uncle Amiruddin Tayyibji brought him up. His uncle was a hunter and a nature lover. Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. Appreciate yani hota hai sarahana, mehsoos karna. His maternal uncle yani hota hai mama ji, jo mother side ke hote hai. Okay? His maternal uncle Amiruddin Tayyibji brought him up. Unke jo maternal uncle yani ki jo mama ji the, unko bada kiye. His uncle was a hunter and a nature lover. Hunter yani ki kuch hota shikari ko bhi kaha jata hai aur ek hunter hota hai jinki khoji pravritti hoti hai. To unke uncle jo the hunter the aur nature lover the, bahut hi khoji pravritti ke the aur wo nature se pyar karne wale the, prakriti premi the. Under his guidance aur apne uncle ke guidance mein hi Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. Aur unhi ke guidance mein, apne uncle ke guidance mein Salim ne bhi bahut kuch sikha. Kya sikha? अपने आसपास खोजने की प्रवृत्ति को सीखा और अपने आसपास नेचर को वो महसूस किए. एज अ चाइल्ड सलीम अली शॉट अ बर्ड विच हैड अ येलो स्ट्रीक रनिंग बिलो इट्स नेक. हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्पीसीज एंड एडवाइज्ड हिम टू कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इन मुंबई. स्ट्रीक यानी होती है धारी. एज अ चाइल्ड जब छोटे थे एज अ चाइल्ड सलीम अली शॉट अ बर्ड. जब सलीम अली छोटे थे तो उन्होंने एक बर्ड को शॉट किया यानी शूट किया. वो उन्होंने एक बर्ड को मार दिया विच हैड अ येलो स्ट्रीक रनिंग बिलो इट्स नेक. और जिस बर्ड को उन्होंने शूट किया था जब उसने देखा सलीम अली ने देखा तो उसके नेक पर यानी कि उसके गले पर एक धारी बनी हुई थी येलो कलर की. हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई द स्पीसीज. अब ये बर्ड को लेकर के वो अपने अंकल के पास जाते हैं लेकिन उसके सलीम अली के अंकल जो थे वो भी इस बर्ड को पहचान नहीं सके. एंड एडवाइज हिम टू कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इन मुंबई. और सलीम को ये एडवाइस दिए सलाह दिए कि इसको ले करके वो BNHS मुंबई जाए. डॉक्टर WS मिलार्ड द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ BNHS identified the bird as a yellow-throated sparrow. He also showed Salim Ali the society's splendid collection of stuffed birds. Honorary यानी होता है सम्माननीय. कुछ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में जो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, अपने सर्विस से रिटायर होने के बाद भी वो अपना सर्विस देते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं ऑनररी यानी कि वो बिना वेतन के भी काम करने को तैयार हो जाते हैं अपनी खुशी से. स्प्लेंडेड यानी होता है शानदार. स्टफ्ड यानी कि भरा हुआ. जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं जो सॉफ्ट टॉयज देखा होगा, जैसे टेडी बेयर देखे होंगे आप लोगों ने. तो टेडी बेयर को शेप देने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर कॉटन भरा जाता है. इसी तरह आप लोगों ने समोसे को देखा होगा, समोसे के अंदर भी मसाला स्टफिंग की जाती है. तो स्टफिंग क्या होती है, एक अंदर जो भरा जाता है, भरावन कहना चाहिए, ये होता है स्टफिंग. स्टफ्ड यानी कि भरा हुआ. डॉक्टर WS मिलार्ड द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द BNHS. ये WS मिलार्ड जो है डॉक्टर WS मिलार्ड ये वहाँ के ऑनररी सेक्रेटरी है यानी कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं फिर भी वो अपनी सर्विस दे रहे हैं. कहाँ? BNHS मुंबई में. उन्होंने आइडेंटिफाइड द बर्ड एज ए येलो थ्रोटेड स्पैरो और उन्होंने पहचाना कि ये जो बर्ड जो सलीम अली ने शूट किया है वो बर्ड क्या है, स्पैरो, येलो थ्रोटेड स्पैरो. और ये जो येलो थ्रोटेड स्पैरो है ये कुछ ही सीजन में दिखाई पड़ते हैं. ही ऑल्सो शोड सलीम अली द सोसाइटीज स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स. और उन्होंने WS मिलार्ड ने सलीम अली को अपने सोसाइटीज का जो स्प्लेंडेड कलेक्शन था, शानदार जो कलेक्शन था स्टफ्ड बर्ड्स का, उसको भी दिखाया. स्टफ्ड बर्ड्स यानी यहाँ पर क्या है, ये सारे जो पिक्चर में देख रहे हैं स्टफ्ड बर्ड्स हैं, यानी कि ऐसे देखने में लगता है कि ये बर्ड्स जीवित हैं लेकिन ये जीवित नहीं है. जैसे कुछ कारण से बर्ड्स मर जाते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल की स्टफिंग की जाती है, एक केमिकल भरा जाता है जिससे कि वो जो बर्ड्स हैं वो उसी रूप में एक जीवित दिखे. जैसे जब भी देखने वालों को लगे कि हाँ ये बर्ड इतनी बड़ी है, इसकी हाइट इतनी है, इसका कलर ऐसे ही, तो उसको जीवंत करने के लिए उसके अंदर एक केमिकल की स्टफिंग की जाती है. तो ऐसे ही पूरे बर्ड्स का एक कलेक्शन रखा हुआ है BNHS में जिसको सलीम अली को दिखाया गया. किसके द्वारा? WS मिलार्ड सर के द्वारा. दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज सलीम अली लाइफ एंड इंडिया गॉट इट्स बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट. वंस सलीम अली सेड. इंसिडेंट यानी होता है घटना. ऑर्निथोलॉजिस्ट जैसे मैंने पहले ही बताया पक्षी विज्ञानी जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं. तो आप लोगों ने देखा कि सलीम अली जब छोटे थे बच्चे थे तो उन्होंने एक बर्ड को शूट किया और उस बर्ड को लेकर के कहाँ गए, BNHS मुंबई गए. वहाँ उनको मिले डॉक्टर WS मिलार्ड जो उन्होंने वहाँ पर
पूरी सोसाइटी दिखाई, किसकी, स्टफ्ड बर्ड्स की जो कलेक्शन था उसको दिखाया। और इस घटना के बाद सलीम अली की जो लाइफ पूरी तरह बदल गई, और इसी के रिजल्ट में हमको क्या मिला, हमारे इंडिया को मिला एक बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, तो इस सिंगल घटना, ये जो इकलौती ऐसी घटना थी जो सलीम अली की लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिए। और वो वहाँ पर से सलीम अली क्या हुए, इतने इम्प्रेस हुए उस बर्ड्स को देख करके, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसी पर ही काम करना है, यानी बर्ड्स पर ही काम करना है। और वो क्या बन गए, बर्ड्स का अध्ययन करते करते वो भी एक पक्षी विज्ञानी यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट बन गए। और वंस सलीम अली सेड, एक बार सलीम अली कहते हैं, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स हैज बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल कंडीशन एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर अ माइक्रोस्कोप। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट अनइनहैबिटेड प्लेसेस आई कैन स्टडी द बर्ड्स एज दे लीव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर, ठीक है, रिमोट यानी होता है जो बहुत अंदर के एरिया में जो होते हैं, ठीक है। तो एक बार सलीम अली ने कहा है, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स हैज बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल कंडीशन। सलीम अली का कहना यह था कि मेरे लिए एक बहुत ही चीफ इंटरेस्ट यानी मेरा एक मुख्य जो इच्छा थी, प्रमुख इच्छा थी बर्ड्स की स्टडी करना, वो मुझे प्राप्त, मुझे उसके उसका अवसर मुझे प्राप्त हुआ ऑब्जर्व करने का बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री को अंडर नेचुरल कंडीशन, मतलब बर्ड्स जिस कंडीशन में रहते हैं, नॉट इन अ लेबोरेटरी अंदर ए माइक्रोस्कोप। हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा लैब में, आप लोग दीदी भैया लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर अर्थवॉर्म, केंचुआ या छोटे छोटे जीव है उसको स्पेसिमेन बना के रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो सलीम अली कहते हैं कि मुझे ऐसा माइक्रोस्कोप में ऐसा देख करके ऑब्जर्व नहीं करना है, मुझे ऐसा मौका मिला गया और मुझे इंटरेस्ट भी था कि बर्ड्स को देखूं उनके नेचुरल कंडीशन में कि वो रहते कैसे हैं, ना कि एक लेबोरेटरी में छोटे से कमरे में। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट इनहैबिटेड प्लेसेस आई कैन स्टडी द बर्ड्स एज दे लीव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब वो क्या कहते हैं, बाय ट्रेवलिंग, मैं घूमते हुए मैं उन बर्ड्स को देख सका और स्टडी करना चाह रहा था कि वो बर्ड्स जो थे वो रहते कैसे हैं, उस वो नेचुरल रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, उनका हैबिटेट यानी कि उनका रहन सहन कैसा है, ये सब मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस इंक्लूडिंग द जेपी पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, द गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द गोल्डन मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, अ रेरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। रेरिटी यानी होता है दुर्लभता, जो कि बहुत ही कम होता है। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तो सलीम अली को बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए, साथ ही साथ हमारे इंडिया से भी पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस, अपनी सर्विस के लिए, अपनी सेवा के लिए सलीम अली ने बहुत सारे ऑनर्स, सम्मान और मेडल्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया से उन्होंने ग्रहण किया, रिसीव किया, इंक्लूडिंग, और इसमें क्या क्या इंक्लूड था, जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, द गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर कंजर्वेशन के लिए उनको ये अवार्ड था, द गोल्डन मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, ये जो अवार्ड है ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, ये रेरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, जो ब्रिटिश पीपल नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ही दुर्लभता से दिया जाने वाला मेडल है ये, एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, हमारे भारत की सरकार से भी उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण का भी अवार्ड दिया गया। तो आप लोगों ने देखा कि सलीम अली की जो सेवा थी, उनके जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था पक्षियों के लिए, पक्षियों के हमको पक्षियों की दुनिया को हमको बताने के लिए, इसके लिए उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अलोंग विद इंडियन गवर्नमेंट उनको बहुत सारे अवार्ड और मेडल्स और सम्मान दिया गया। हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, हिज फेमस बुक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल फॉर बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट। इंटरवेंशन यानी होता है हस्तक्षेप, सेंचुरी यानी अभ्यारण, अभ्यारण का मतलब ये आप जान सकते हैं, जैसे बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स जो होते हैं उनको उनके हैबिटेट में रखा जाता है, उनको कोई पिंजरे में नहीं रखा जाता है, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, जिसको अभ्यारण कहा जाता है।
ठीक है, जैसे आप लोगों ने जू में देखा होगा, जू में उनको टाइम टाइम पे खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है और पिंजरे के अंदर रखा जाता है, लेकिन सेंक्चुअरी में ऐसा नहीं होता है। बर्डिंग यानी होता है नए या उभरते हुए। हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव द भरतपुर बर्ड सेंक्चुअरी एंड द साइलेंट वैली इंटरनेशनल सॉरी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उनके समय पर जो हस्तक्षेप किए, इसके द्वारा ही भरतपुर बर्ड सेंक्चुअरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचा लिया गया। उनकी फेमस किताब, हिज फेमस बुक, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, एक बाइबल की तरह थी, जो बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी जो नए उभरते हुए जो पक्षी वैज्ञानिक थे उनके लिए एक बाइबल की तरह थी। जैसे बाइबल में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें उस ग्रंथ में धर्म के बारे में जिसे सीखने को मिलता है, तो ये भी एक बाइबल की तरह थी, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड जो थी सलीम अली की, ये जो उभरते हुए नए, हाँ सॉरी, जो उभरते हुए जो नए जो पक्षी वैज्ञानी है ऑर्निथोलॉजिस्ट है उनके लिए एक बाइबल की तरह है, जिसमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ही पास्ड अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91। ही इज नो मोर बट हिज लेगेसी लिव्स ऑन। हिज डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजिस्ट हैज लेफ्ट बिहाइंड कमिटेड ग्रुप्स ऑफ एमेच्योर बर्ड वॉचर्स टू ऑल ओवर इंडिया। लेगेसी यानी विरासत या धरोहर, डेडिकेशन समर्पण, एमेच्योर यानी कि शौकिया, जो सीखने के लिए करते हैं या शौक से करते हैं। ओके, ही पास्ड अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91। जब वो हमारे हमारे बीच नहीं रहे तब उनकी एज थी 91, यानी कि 91 जब उनकी एज थी तब वो हमारे बीच नहीं रहे, और उस समय 1987 की बात है ये, जब वो हमारे बीच नहीं रहे। ही इज नो मोर, अब वो नहीं है, लेकिन बट हिज लेगेसी लीव्स ऑन। सलीम अली हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी जो विरासत है, धरोहर है, वो अभी भी जीवित है और जीवित रहेगी। लीव्स ऑन। हिज डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजिस्ट, उनका जो एक समर्पण था ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक पक्षी वैज्ञानिक की तरह, वो अपने पीछे, लेफ्ट बिहाइंड कमिटेड ग्रुप्स ऑफ एमेच्योर बर्ड्स वॉचर ऑल ओवर इंडिया, वो अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ गए हैं। एक जैसे पहले ही बताया था कि एक बाइबल की तरह उनकी किताब है, जिससे एमेच्योर और जो बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट को एक हेल्प मिलेगी उससे, और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने पीछे जो शौकिया तौर पर जो बर्ड वॉच करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो उनकी विरासत को और आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने इस लेसन में देखा, तो नहीं है सर, पीछे कर दीजिए। तो बच्चों, इस लेसन में आप लोगों ने देखा द बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली ने हमको बताया कि बर्ड्स कैसे, किसको बर्ड्स कहेंगे और इनके क्या क्या पास, इनके पास पावर होते हैं। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि सलीम अली की जो लाइफ हिस्ट्री थी वो कैसी रही। ठीक है, तो अब इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाई डिड अवर एंसेस्टर्स वर्शिप नेचर। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, वो नेचर यानी प्रकृति की पूजा क्यों करते थे? आप आंसर देने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं के बच्चे, अच्छा चलो हम इसका आंसर बता देते हैं। आर एंसेस्टर डिड वर्शिप नेचर टू रिस्पेक्ट इकोलॉजी एंड टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ। वर्शिप पूजा करने का कारण क्या था? अपने इकोलॉजी को रिस्पेक्ट देना और साथ ही साथ जो मानव का जो लालच है उसको रोकना, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है, नेचुरल वेल्थ जो है, वो उसको बचाया जा सके। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? पूरे लेसन में भी बताया कि हमने जो देखा है बर्ड्स के बारे में वो सलीम अली की आंखों से ही देखना संभव हुआ है। इसका आंसर है, इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अस बाय द ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन। सो सलीम अली इज कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जो हमारे सामने जो एक्सपोजर है बर्ड्स का, वो सलीम अली के योगदान से ही संभव हो सका है, इसीलिए सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। आप लोगों ने पिक्चर देखी थी ना 2.0, जिसमें अक्षय को देखा था ना कि वो कैसे बर्ड्स प्रेमी थे, तो इसी तरह सलीम अली भी थे अपने समय में। वो बर्ड्स के बारे में इतने ज़्यादा उनको पढ़ने की इच्छा थी उसके बारे में, कि वो हर चीज़ जानने की इच्छा रखते थे, और वो उन चीज़ों को जानकर सीखने के बाद वो अपने पीछे वो सबको सिखाना भी चाहते थे कि बर्ड्स कैसे होते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? आंसर देख लेते हैं।
अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट के पहले देख रहे होंगे एन लगा हुआ है, क्योंकि ऑर्निथोलॉजिस्ट, अच्छा आप लोगों को बताया गया है कि ए ई आई ओ यू ये ऐसे वॉवेल हैं जिनका साउंड आने पर हमको एन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा गया है एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड इज कॉल्ड एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। यानी कि जो पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इनको हम कहते हैं पक्षी विज्ञानी या ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसको नेक्स्ट में करिएगा सर, समय होगा तो पीछे कर दीजिए, नहीं नहीं मतलब आगे बढ़ाइए और आगे करते जाइए, समय होगा तो उसको लूंगी, नहीं तो फिर बंद करूंगी। इसके बाद ओके बच्चे, हम कुछ ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। आप लोगों ने इसके पहले लेसन में रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ा था, आपकी बुक में है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को हु, वेयर और विच का यूज करना है, ठीक है। तो आपको बता दूं, मैं रिलेटिव क्लॉज यानी कि क्लॉज जैसे उपवाक्य कहते हैं, एक वाक्य जो होता है प्रिंसिपल वाक्य होता है, दूसरा वाक्य जो होता है वो डिपेंडेंट वाक्य होता है। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ता है वो रिलेटिव क्लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रिलेटिव क्लॉज में हम हु, वेयर और विच के बारे में पढ़ेंगे। तो हु का यूज कब करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर हु का यूज करेंगे, और जब हम किसी थिंग्स, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर विच का यूज करेंगे, और जब हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, वेयर का। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इसमें रेड पहले से हो गया है। क्वेश्चन वन है, आई लॉस्ट माई लंच बॉक्स, ब्लैंक है, इज ग्रीन, मैंने अपना लंच बॉक्स खो दिया है, डैश इज ग्रीन। तो ग्रीन किसके बारे में कहा गया है, लंच बॉक्स के बारे में। लंच बॉक्स क्या है, पर्सन है, प्लेस है, या कोई थिंग या वस्तु है, आप आंसर बताने के लिए एडमिट कर सकते हैं। सर पॉज हो गया है क्या वीडियो? हाँ, लंच बॉक्स जो है ये थिंग्स में आता है, यानी कि वस्तु है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट विच हु या वेयर। तो करेक्ट आंसर इसमें रेड हो गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच, आई लॉस्ट माई लंच बॉक्स विच इज ग्रीन। चलिए आगे पीछे हो गए, सेकेंड देखते हैं, आई मेट माई फ्रेंड, डैश इज अ टीचर, मैं अपनी फ्रेंड से मिला जो कि एक टीचर है। तो यहां पर जो कि, जब एक शब्द कहा उसके लिए किसका यूज करेंगे, दैट, विच, हु या वेयर। आई मेट माई फ्रेंड, यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, पर्सन, प्लेस या थिंग्स, किसके बारे में बात कर रही हूं, फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि क्या हो गए वो, पर्सन, वेरी गुड। तो पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, हु, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है सर आगे नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु, आई मेट माई फ्रेंड हु इज अ टीचर। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कूल इज अ प्लेस, डैश वी लर्न, स्कूल एक ऐसी प्लेस है, जगह है जहां हम सीखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डैश में दैट विच हु या वेयर, स्कूल इज अ प्लेस, इसमें पहले कहा गया स्कूल इज अ प्लेस, तो प्लेस के लिए क्या यूज करेंगे, प्लेस के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हु, विच या वेयर, वेरी गुड आंसर है सर पिछले स्लाइड में। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर, स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, जब हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हु का यूज करेंगे, थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो विच का यूज करेंगे, और जब हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या यूज होगा, वेयर। सब पीछे ले लीजिए, अच्छा नहीं नहीं करिए इसके आगे करिए, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी सेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, आपको एक आंसर बताना है कौन सा सही है। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन, मैंने पैराग्राफ में बताया था कि बर्ड्स के पास एक अनोखी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जिससे अपने विजन को, देखने की क्षमता को वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक का कौन सा फॉर्म आएगा, वो जल्दी ही, जल्दी से अपना विजन वो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जल्दी वर्ड के लिए कौन सा फॉर्म आएगा, देखिए ऑप्शन ए है क्विक, बी क्विकली, सी क्विकर और डी है क्वाइटली। तो कौन सा आएगा यहां पर आंसर,
यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म आना है, तो जैसे मैंने कई बार बताया एडवर्ब के बारे में, बी वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड बाइपेड्स। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे बाइपेड्स यहां पर अंडरलाइन है, बोल्ड वर्ड है। आपको इसका मीनिंग बताना है कि बाइपेड्स का मीनिंग क्या होता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका अर्थ यानी कि मीनिंग है उस वर्ड्स में ही छुपा होता है, जैसे टू बाइसिकल। लेग्ड हाँ, ऑप्शन है वन लेग्ड एनिमल, फोर लेग्ड एनिमल्स, टू लेग्ड एनिमल्स या वन आइड एनिमल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू एनिमल्स, लेग्ड एनिमल्स। मैंने पहले ही कहा जैसे कि बाई, बाई यानी कि होता है दो, बाइसिकल कहते हैं ना आप लोग, तो उसमें भी साइकिल यानी तो चक्र हो गया, बाइसिकल यानी कि दो चक्र। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं आप लोग इंग्लिश में देखेंगे कि उसी के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है। तो बाई यानी कहीं पर भी बाई शब्द आता है, बी आई, तो समझ जाएगा कि यहाँ पर बाई जो है वो दो यानी कि टू के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? टू लेग्ड एनिमल्स। थर्ड देख लेते हैं। बर्ड्स हैव डैश, दे हैव नो डैश, यानी कि बर्ड्स के पास क्या है और दूसरे डैश में क्या, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? बर्ड्स के पास क्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? ए फेदर्स, लेग्स, बी है हैंड्स, टीथ, सी बीक्स, टीथ और डी है हैंड्स और फेदर्स। तो बर्ड्स के पास फेदर्स है, लेग्स नहीं है, या बर्ड्स के पास हैंड्स है, टीथ नहीं है, सी बर्ड्स के पास बीक्स है, टीथ नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन बर्ड्स के पास हैंड्स है लेकिन फेदर्स नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? बर्ड्स के पास क्या है? करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बर्ड्स के पास बीक्स है लेकिन टीथ नहीं है। पीछे कर लीजिए, फिल इन द वो ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग को, इसके पीछे, बस बस बस। सो बच्चा आप लोगों ने इसमें बहुत सारे वर्ड्स नए नए देखे जो आपके डिक्शनरी में ऐड कर लिए, अपने माइंड में अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाइएगा, उसका कुछ विस्तार से मीनिंग भी देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैच द कॉलम ए एंड बी, आपको मैच कॉलम ए में जो है एक वर्ड दिया गया है और उसका मीनिंग दिया गया है कॉलम बी में, तो आपको बताना है कि ए का कौन सा वर्ड जो है वो बी के कौन से मीनिंग से मैच करता है। तो मैं पहले कॉलम ए को पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसका मीनिंग ही बताते जा रही हूँ। फर्स्ट है इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या परिस्थिति विज्ञान। बी है डेइटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतार। तीसरा है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। और चौथा है एमेच्योर यानी शौकिया, जैसे मीनिंग पहले ही बताया मैंने। और पांचवा है ऑनररी यानी कि सम्माननीय, जो कि अवैतनिक भी कहलाता है, जो सर्विस के बाद, रिटायर होने के बाद भी अपनी सर्विस देते हैं, सेवा देते रहते हैं। ठीक है, तो ये पांच वर्ड्स है। अब इधर इसका दिया गया कॉलम बी में इसका मीनिंग, ठीक है, तो आपको अपने कॉपी पेन में टिक करके रखते हुए जाना कि किसका मीनिंग क्या है। आगे आंसर तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, कॉलम बी में पहला है गिवन एज एन ऑनर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स। ये जो ऑनर है, सम्मान है, ये इनको दिया तो गया है लेकिन ये ऐसा यूजुअल रूल, जैसे जो सेवा में रहते हैं उनकी तरह ये अलग, उनसे अलग होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजुअल रूल उनकी तरह नहीं होते हैं। सेकेंड है दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट, ये ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। थर्ड है फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड इन द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण में फ्लावर्स एनिमल्स और बर्ड्स को लिया गया है। ठीक है, आपको मैच करते जाना है, आपको पेंसिल से टिक करते जाना है अपने कॉपी में। इमेजेस दैट वी वर्शिप, ये क्या है? इमेजेस है मतलब एक प्रकार से पिक्चर कहना चाहिए, इमेज मूर्तियाँ कहना चाहिए जिसकी हम पूजा करते हैं। और लास्ट है अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्स, ये एक कोशिश है अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाने की। तो बताइए यहाँ पर इकोलॉजी का किससे मैच होगा? फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड इन द एनवायरमेंट, एनवायरनमेंट। वेरी गुड। इकोलॉजी मीन्स फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड्स इन द एनवायरमेंट, डेइटीज अवतार। फटाफट बोलते जाइए बच्चे। वेरी गुड। इमेज, इमेजेस दैट वी वर्शिप, अवतार यानी जिसकी हम पूजा करते हैं। थर्ड है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किसका किया जाना चाहिए? जो चीज हम खत्म करते जा रहे अटेम्प्ट हैं। टू यस, सेव नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेस, वेरी गुड। अटेम्प्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, एमेच्योर,
दोस्त हु आर नॉट एक्सपर्ट, जो शौकिया तरीके से काम करते हैं उनको कहा गया है। इसका प्रोनाउंसिएशन एमिच्योर भी करते हैं और एमेच्योर, दोनों ही करेक्ट है। ओके, ऑनररी जो लास्ट बचे वो क्या हो जाएगा, गिवन एज एन ऑनर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रूल्स। चलिए इसका आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। इकोलॉजी मैंने कलर में मैच कर दिया है रेड का रेड से, ठीक है। तो आप लोग देखते जाएंगे इकोलॉजी फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है बच्चा। आप लोगों का यहाँ पर देख लिए होंगे क्या क्या मैच किए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला लाइए सबसे लास्ट स्लाइड। तो हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको घर पे करना है। और कुछ बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सअप भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आंसर देख करके कि बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे कोशिश की है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़ मैना एंड राइट पैराग्राफ अबाउट इट्स यूनिक फीचर्स। आप लोगों ने अभी बर्ड्स के बारे में देखा, तो आप लोग जानते छत्तीसगढ़ी जो पक्षी हमारा मैना को बोला गया है, ठीक है पहाड़ी मैना, तो आपको इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। और सम टिप्स फॉर राइटिंग द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को लिखने के लिए कुछ टिप्स है, जिसमें टिप्स में आप देख सकते हैं द बर्ड्स बीक, यानी कि जो बर्ड्स है उसकी बीक कैसी है। सेकेंड है द बर्ड्स कलर एंड इट्स फीचर्स, सॉरी द बर्ड्स कलर एंड इट्स फेदर्स, जिस बर्ड के बारे में आप लिख रहे हैं उसके फेदर्स और बर्ड का कलर कैसा है। थर्ड है इट्स नेक एंड राइट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, उसके नेक के बारे में लिखिए और उस बर्ड में आपने क्या ऑब्जर्व किया। एंड फोर्थ है द लेंथ ऑफ इट्स नेक, और जो बर्ड को आप लोग ले रहे हैं मैना उसके उसके जो नेक है उसकी लेंथ कितनी है। एंड लास्ट वन इज हाइट ऑफ द बर्ड, उस बर्ड की जो एवरेज हाइट कितनी है। तो ये सारे जो टिप्स दिए गए इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है, ये आपका होमवर्क है छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ मैना के बारे में। मैना जो जनरली हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है थोड़ा सा आप जाएंगे थोड़ा सा जहाँ पर पेड़ ज़्यादा दिखेंगे वहाँ पर आपको मैना दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आप मैना के बारे में लिखिए और मुझे व्हाट्सअप करिए, कुछ गलती होगी तो जरूर बताऊंगी और कुछ हेल्प चाहिए तो भी जरूर बताऊंगी। ओके बच्चों, हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय, थैंक यू। सर ये वीडियो यहीं पर क्यों पॉज हो गया है, ये वाला जो है।